वी आर इन 2024 एंड स्टिल इफ अगर हम ब्राइट स्किन डार्क स्किन की बात करें तो मुझे नहीं पता एज अ सोसाइटी वेयर वी आर हेडिंग. वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट्स. हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. मैं हूं कांची, योर फ्लॉसिम गर्ल. आज बड़े दिनों बाद बहुत मुश्किल से मिला है मुझे एक फ्री संडे जहां मैं घर पर हूं. बहुत सारा मेसअप है इनफैक्ट घर पे जो मुझे ठीक करना है, और बहुत टाइम से एक भी ऐसा दिन मुझे फ्री नहीं मिला था. हर वीकेंड पे मैं घर के बाहर ही थी, इसलिए घर हुआ पड़ा है पूरी तरह से मेस्ड. और उसके साथ ही सामने ही, एक्चुअली लेट मी शो यू ऑल द व्यू. सो दिस इज व्हाट माय व्यू लुक्स लाइक. जी हाँ, इतने सारे पार्सल के बॉक्सेस है जो मेरा इंतजार कर रहे हैं कि मैं कब घर आऊंगी और इन्हें ओपन करूंगी. एट दिस पॉइंट कुछ कुछ में तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने क्या मंगाया है. और मुझे ये पूरा सेक्शन जो मेरा है, पूरा मेस्ड अप आप देख सकते हो, इसे भी मुझे ठीक करना है. उसके साथ ही अगर अभी तक आपने ये वाला वीडियो नहीं चेकआउट किया है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, डू चेक दिस वन आउट. एक प्लेलिस्ट भी है पूरी डेडिकेटेड विच इज एक्सप्लोर विद कांची. बहुत ही मजेदार सीरीज है, जरूर चेक करना. So here I'm just starting with no particular order. Hello. मैंने मेरी सिस्टर से कहा था कि ओपन कर देना एटलीस्ट, क्योंकि कोई कोई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं ना तो जो अगर डैमेज हुए रहेंगे तो फिर मैं उन्हें रिटर्न भी नहीं कर पाऊंगी. इसलिए थोड़े थोड़े पार्सल्स खुले हैं बट इन्हें ऑर्गेनाइज करना अभी बाकी है. दैट इज द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो and an unwinding Sunday video. So, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर है ये Dermaco की sunscreen which has SPF 50 PA++++. Actually, it is said to be कि जितना SPF PA++++ होगा उतना sunscreen अच्छा है, and SPF 50 है इसमें. और मुझे बहुत ही अच्छे buy one get one deal पे मिली थी. I clearly remember कि मुझे 474 rupees में ये दो sunscreen मिली थी, which is a steel deal for sure. इसमें से एक मैंने, हाँ सी, मैंने क्रॉस मार्क करके रखा है. सो ये वाली मैंने ओपन की है जो मैं अभी फिलहाल यूज कर रही हूँ, और एक मैं या तो मैं किसी को दे दूंगी या तो फिर आई कीप इट, विल फिगर दैट आउट लेटर. और उसके बाद है ये बी बॉडी वॉइस का मैंने एक पार्सल मंगाया था. सो इसमें मुझे मिला है ये दो चीज. एक है बी बॉडी वॉइस का बॉडी वॉश जिसमें है एक्चुअली सैलिसिक एसिड वाला बॉडी वॉश है, और ये मैंने एक रीजन से मंगाया था क्योंकि मैं अभी स्विमिंग क्लास जाती हूँ. सो यू नो क्लोरीन के वाटर से थोड़ा थोड़ा मुझे ना पैचेस ऐसे टैनिंग के ऑब्जर्व हो रहे थे, स्पेशली ऑन माय आर्म्स. तो इसीलिए मैंने ये वाला मंगाया ताकि आफ्टर माय स्विमिंग मैं इससे अच्छी तरह से अपने बॉडी को क्लेंस कर सकूँ. और ये बॉडी वॉश मैंने ऑलरेडी यूज भी किया है, आप देख सकते हो, मतलब काफी थोड़ा बहुत मैंने यूज करना स्टार्ट कर दिया है इसे. उसके साथ ही मैंने मंगाया था ये एक रोल ऑन. इसके एक्चुअली मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे एड्स देखे थे तो मैं थोड़ी एक्साइटेड हो गई थी कि ऑर्डर कर लेती हूँ. एंड ये प्रोडक्ट एक्चुअली मैंने यूज किया है, अभी मैंने स्टार्ट किया है यूज करना. आहा, खुशबू भी बहुत अच्छी है, एंड आई वुड से कि सच में ये अंडर आर्म्स के लिए बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेश फील करवाता है. एंड जस्ट अ डिस्क्लेमर, इसमें से कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि कोई स्पॉन्सर्ड है, सब कुछ मैंने अपने पैसे से ही खरीदा है. सो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ ही मेरे पास यहाँ पर है वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट्स. सो ये प्रोडक्ट एक्चुअली खरीदने से पहले मैं इतना ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट कर रही थी, और मुझे नहीं पता, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था ये खरीदने के लिए. मैंने इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को जो आउट ऑफ इंडिया से आ रहे थे उन्हें ये भी पूछा कि एयरपोर्ट पे इसका क्या प्राइस चल रहा है. शायद आपके लिए इतना एक्सपेंसिव ना हो पर मेरे लिए मुझे लग रहा था, क्योंकि 3000 रुपीज टू स्पेंड ऑन अ फेवरेट, मेरा करंट फेवरेट विक्टोरिया सीक्रेट फ्रेग्रेंस विच इज इन द वेरिएंट प्योर सिडक्शन. अगर इस टाइम आप मेरे आसपास आओगे तो आपको ऐसी ही खुशबू आएगी. और द बेस्ट पार्ट इज कि मुझे सेल पे मिला है फॉर ओनली 1099 रुपीज, एंड आई रियली लव इट. अभी ये एक पार्सल, इसको तो मैंने ओपन भी नहीं किया है. उसके साथ ही मैं बहुत अपने दिमाग पे जोर डाल रही हूँ कि इसमें क्या है क्या है, पर मुझे बिल्कुल याद भी नहीं आ रहा है. टीरा ब्यूटी से है ये. सो दिस इज अपेरेंटली माय फर्स्ट परचेज फ्रॉम टीरा ब्यूटी एज वेल. लेट्स अनबॉक्स इट. ओके, याद आया याद आया.
तो क्योंकि मेरा जो फॉक्सटेल का ओवरनाइट मास्क है वो एक्चुअली खत्म होने वाला है, तो इसीलिए मैंने और एक बैकअप मंगा लिया है, क्योंकि मैं अभी भी इसे रिव्यू कर ही रही हूँ। मुझे अभी तक मतलब मेरे थॉट्स इस पे अभी तक मेरे 50-50 बना हुआ है, तो मुझे एक्चुअली इसे अच्छी तरह से यूज करके देखना है, इसलिए मैंने मेरी एक सिस्टर के लिए भी मंगाया है, मुझे उसकी स्किन पे भी इसे ट्राई करना है ताकि मैं एक नतीजे पे पहुंच पाऊँ कि ये कैसा है। इसकी जो मार्केटिंग है वो थी हाइप करके की गई है कि फेशियल जैसा ग्लो दे देता है एंड ऑल, विच आई काइंड ऑफ अग्री एट दिस पॉइंट 50%, बट इसे और अच्छी तरह से आपको आगे मैं कोई ना कोई वीडियो में अपना रिव्यू शेयर कर ही दूंगी। उसके साथ ही दो कुछ फ्री चीजें भी आई है, एक है ड्यूई सनस्क्रीन फॉक्सटेल का और एक है लॉरियल का ग्लाइकोलिक ब्राइट फॉर ब्राइटर स्किन। टू बी ऑनेस्ट वी आर इन 2024 एंड स्टिल इफ अगर हम ब्राइट स्किन डार्क स्किन की बात करें तो मुझे नहीं पता एज अ सोसाइटी वेयर वी आर हेडिंग, मुझे बिल्कुल ऐसे प्रोडक्ट्स पसंद नहीं है जो ऐसा स्किन कलर को स्किन टोन के ऊपर यू नो अपना मार्केटिंग करते हैं। सो ये कोई सीरम है रिकील का, मुझे ये याद है क्योंकि मैंने ये रिसेंटली मंगाया है, तो ये है रिकील का रेटिनॉल नाइट क्रीम। सो जैसे कि आप लोग बोल ही सकते हो आई एम रियली इन टू स्किन केयर दीज डेज और मैं अपना स्किन केयर गेम पूरा टॉप अप करना चाहती हूँ। मुझे सबको लगता है कि मुझे मेकअप ज्यादा पसंद है, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे स्किन केयर एक्चुअली ज्यादा पसंद है। मैं जितना मैं अपने स्किन के लिए केयर करती हूँ उतना शायद मतलब मेकअप अगर आप देखोगे तो मेरे पास है भी नहीं। मैंने लास्ट नवंबर में जो मेरे भाई ने मुझे मेकअप भेजा था दैट वाज द लास्ट मेकअप दैट आई हैव, उसके अलावा मैंने मेकअप खरीदा भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट स्किन केयर सिंस देन। सो ये है एक रिकील का रेटिनॉल नाइट क्रीम बिगनर्स के लिए, अगर आप रेटिनॉल को अपने स्किन केयर में लाना चाहते हो तो ये एक परफेक्ट क्रीम है, तो इसीलिए मैंने ये मंगाया। इसमें बहुत ही माइल्ड अमाउंट ऑफ रेटिनॉल है, 0.1% रेटिनॉल है, तो अगर आप एकदम बिगनर हो तो दिस इज परफेक्ट। सी सो ये था पूरा मेस्ड अप बिफोर ऑफ द कॉर्नर और ये है द आफ्टर, एंड आई थिंक द आफ्टर इज मच 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 बेटर। बहुत अच्छा लग रहा है, अभी ये जगह पूरा ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है और इसके साथ ही मैं पहुंच गई थी फिर अपने स्विमिंग क्लास। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टाइम्स जब मैं अपने स्विमिंग क्लास में होती हूँ, ये मेरा पर्सनल मी टाइम होता है। टॉकिंग अबाउट मी टाइम आई ऑल्सो वॉन्ट टू हाईलाइट वन फैक्ट कि मैंने अपना सोशल मीडिया थोड़े दिनों के लिए पूरा स्विच ऑफ कर दिया है, स्पेशली इंस्टाग्राम, क्योंकि मैंने खुद से नोटिस किया कि इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते मैं बहुत सारा अपना जो समय था वहाँ पर लिटरली वेस्ट कर रही थी। मैं आपको स्क्रीन पे एक पॉपअप दिखा दूँगी अबाउट द टाइम स्पेंट, आप सभी अपने इंस्टाग्राम सेटिंग्स में जाके ये चेक कर सकते हो, और अगर आपको लग रहा है आपका टाइम यू नो नॉर्मल टाइम से ज़्यादा कुछ एक्सीड हो रहा है, प्लीज़ ये डिसीजन लो एंड स्विच ऑफ कर दो, डिसकनेक्ट कर दो फ्रॉम द फेक वर्ल्ड एंड ट्राई टू कनेक्ट विद द रियल वर्ल्ड। एट दिस पॉइंट मेरे इंस्टाग्राम का यूसेज पॉइंट है एकदम ही ज़ीरो, और अगर पहले मैं कंपेयर करूँ तो पहले एक पॉइंट पे ये ऑलमोस्ट 3 hours, 4 hours हो चुका था। स्क्रॉल करते करते कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अगर आप वर्क कर रहे हो या आपके वर्क रिलेटेड देन इट्स फाइन, बट इफ़ इट्स अननेसेसरी प्लीज़ टेक द कॉल योर सेल्फ एंड डेफिनेटली टाइम एंड अगेन ऐसा थोड़ा सा डिसकनेक्ट करके देखिए, आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। After swimming, of course,
थोड़ा सा स्किन केयर करके करूँगी मैं अपने संडे का रैप अप। और आज का दिन बहुत ही सक्सेसफुल था, आई रियली एंजॉयड अ लॉट। डू लेट मी नो गाइज, मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ, इनफैक्ट बहुत सीरियसली सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ। आप लोगों को क्या लगता है प्लीज़ अपने कॉमेंट्स नीचे छोड़ना इन द कॉमेंट बॉक्स। और इसी के साथ मैं यहाँ पर कर रही हूँ वीडियो का अंत, आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। टिल देन ड्रीम इट, बिलीव इट एंड अचीव इट। बाय बाय।